हेलो बे, और ठीक ठाक हो? तो बे, मैं काम कुम निपटा निमटू के और आड़ा लेट गई थी धूप में, हमारे इस कमरे के आगे जो है हमारी टंकी है, इस टंकी का दौर है क्योंकि आड़ा थी धूप। और जिस साथ हम नवेरा है कि तबीयत थोड़ी ही डाउन है, बुखार सा हो रहा है। आज वैसे बुखार तो ना चढ़ा पर फिर भी हरारत तो है जी। ये देखो, ये बड़ा अच्छा है आ गई तो मैं ये बड़ी तो उठ ली। और दिना धूप में हमने लेटना हो तो मारी खाट होया करे आड़े है। पर आज मारी मम्मी ने ये गेहूं धो दिए थे तो गेहूं की खाट आड़े गाल दी थी, तो इसलिए मैंने अपनी खाट उड़े गाल ली है। देखो गाम आड़ा इबी भी है, वारती गाम रहा है आड़े। तो जी, हरकत सी तो इबी भी है, मतलब सांस से चढ़ है। वो तो ठीक हूँ, बस थोड़े सांस से चढ़ रही हैं। कुछ भी करूँ हूँ या मतलब चालू हूँ जब, अतः आज भी मैंने रेस्ट कर रखा था। तो बे, ये बच्चा के आने का टाइम हो गया, तो चलो कुछ बच्चों के लिए तैयारी देख लें कि कुछ बनावा के कुछ ना। अगर रोटी रखी होंगी सुबह की, क्योंकि मोनिका ने पता है कि इसकी तबीयत ठीक ना, तो अब सुबह बना भी गई होगी बच्चा की रोटी, तो वो गर्म करके दे देंगे। अगर इसमें तो एक रोटी पड़ी है जी, चारों बच्चा की तान नहीं भाज जाए इसमें। और आटा रखा ही नहीं, क्योंकि मैंने आज जो मम्मी चाकी चलाई थी, चून पीसा था, जब देखा था आटा तो बिल्कुल ना रखा सुबह का, कि भाई बालका थी गरम रोटी या परांठे परूंठे कुछ बना दूं। और वे आते मांगेंगे जरूर, आते को मम्मी भूख लाग रही है, मम्मी भूख लाग रही है। और तो कुछ इंतजाम तो हमने करना पड़ेगा, तो क्या इंतजाम करें? मैं नहीं सोचू हूँ, आज मैं बालका थी बेसन के चिल्ले बना दूँ, है ना, आधा पर्दा मैं भी खा लूंगी, थोड़ा जी सारा जी हो जाएगा मेरा भी खा कर नमने। मतलब सुबह तक एक रोटी खाई है, फिर पेट सी में दर्द हो गया, क्योंकि भाई वायरल बुखार है तो इन्फेक्शन साथ तो है ही। तो जा तो मैं सोचू हूँ चिल्ले की तैयारी कर ली हूँ मैं, वो बेसन भी गो ली हूँ, और एक एक दो दो सारे बालक खा लेंगे, एक आधा मैं खा लूंगी, मम्मी पापा को ऐसे ले होंगे तो वह ले लेंगे। ठीक है, तो ई मैं मिलूँ हूँ आप तय चिल्ले बनाते हुए, मैं कर लूँ हूँ तैयारी, क्योंकि 5 या 7 मिनट में वे आने वाले हैं। ठीक है, और हनु बताइयो किस किस माँ नैनू, असल में तो सारी माँ है नैनू, चिंता होया करें आके, मतलब बालक आने वाले हैं तो के बनाऊँ, बालक ताई आके खाओगे मांगेंगे, मतलब हर गृहिणी ने हर माँ ने या टेंशन हुआ ही हुआ है। ने मेरे थोड़े पीले पीले से हाथ नहीं हो गए, देखियो जब बीमार हुए पछ हो गए थोड़े पीले पीले से, है ना। तो चलो जी ठीक है, मैं कर लूँ हूँ तैयारी। वो जगह जगह नू ऊपर नीचे दिखा है, तुमने मेरे हाथ दुखन लग जाए, पकड़ती आना ये कूनी में था, ये 2-3 दिन ऐसा बुखार होया कि पकड़ती आना है ना नू, कई बार पकड़ लूँ लगातार तो हाथ दुखन लग जाए। हाँ जा, तो मैं कब क्या का सहारा ली हूँ, कब क्या का सहारा ली हूँ। तो ठीक है जी, मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर के बाद। तो जी, प्लाट में आ गई मैं आंटती फिरती, और आड़ा मारी मम्मी समर के शर्मा मालस करा है, समर के शर्मा खाद सी हो ही रहा है, फ्यास होगा मेरे ख्याल। असल में ना इन कटवान खंदा दिया, हाँ जब छोटे तक करवा कर ना आता, अकुन में सुथरे डाल तेल रमाया जा, नू के नू रखवाले हैं। अरे भना, ए मम्मी क्या की मालिश करा है इसके, एलोवेरा एलोवेरा की, और देखो क्यों कर करा है, जड़ ऊपर ऊपर के बाला मलान लाग रही है। मैंने कहूँ मका जड़ पाड़ कर नू जड़ा मलाई मनुए है, लागेगा और चुकर लागेगा यो छोटे हो तो ऊपर तय लाग जाए, नू जड़ पाड़ की मांग सी पाड़ पाड़ कर जब ला। नहीं लग जाएगा और बुढ़े आदमी सही लाया करें यो चश्मे वाले देख ले। हाँ बतेरा बेटा ले चल, इनका क्या मैं खान पीन का बनाऊंगी, रोटी सहना नाए चून भी जब जाया तो मैं खा पी लेंगे। कमर ज्ञान सावा है, ठंडा ठंडा लगता होगा जो एलोवेरा, वो डेढ़ चार रंग का टूट था। फिर और की छोटा हाय बतेरा, मन तो तेल की कही थी यो यो ठाक ले आया है, अंग्रेज बन रहे हैं। चलो इब अपनी रसोई में चलो, प्याज काटन की कह का रही थी उसते छोरी ते, उसने प्याज काट दिया, और इब अपना कुछ बना दे। हाँ बालका तई खान पीन का बेसन का चीला,
बेसन तो होगा ना अपने बेटा, कहाँ है बेसन? यो तन्ने है दरिया है के बेसन ही काट के। अच्छा था ये यो। कट्टी बनी थी। अच्छा ले आओ कोई बर्तन ले आओ, तय ये बन्ने रोटी खाई थी मग्गे में लस्सी ले ली। हाँ यहाँ रख दे बेटा, ये तो ऐसा ही खाओगे ना, एक एक दो दो पेट भर के चिल्ले ना हो, अगर वो रात ने रोटी खाई हो अपनी। हाँ हैं धोना धोना काल है भी हो, कुछ ना होता इस तरह खेल ले चल, और थोड़ी सी नुक आंगलिया तो नुमाल लस्सी करवा ली शर्मा ने, जा मैं पहला तो ये ना धो दूंगी दोनों के अपने धो के यूज करूंगी। दरिया रहे हैं भाई सो कीड़े काटे हैं कि मेरा पेट चढ़ जाए, छपकली पपकली सब तब डाल दो छपकली का ही तो एक बढ़िया डाल दूंगी तो साफ करके इसने इसने डर जाएंगे। और अपने ये दे दूंगी मैं थोड़ा, हाँ बेसन। हाँ दद्दी नु का है के ये कहता कि मैं लग गया ना मालिश के करूं, अरे नू आंगलिया था नू कोर पे था वो भी मालिश होया करे, सर्कुलेशन खून का सही बना रहा है करे, खाली आंगलिया थे ले भाई ये दादी पोता बस कमाल है। कार्रवाई थोड़ी सी ये डाल दिया, इसका थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। केवल आप कसूरी मेथी है ना तू तो रहने दे नमक आ जाए भाई, हम सेंधा नमक यूज करे आखरा जी, और चीनी की जगह खांड वो आपने मेरा है हमारी है ना। तो अभी कर देती हूँ मैं इसको तैयार, यो हो गया है जी मेरा चिल्ला तैयार, और वो धरे रखा हो और बनाऊंगी दिखाऊ धरे। एक पैक चाय धर दी है हमने, या जो चाय पियोगा वो चाय पी लेगा, और इसके घी धरू थी वो नूनी घी पर बेरा ना किसी छोरी है नूनी घी घी भी खा कर आजी ने लेते लस्सी के साथ खा लिया, चार लेते होता चल क्या दू सोच ना दू चल मम्मा क्या करेगी, मैं ये करू थी घी तो लेती नहीं, सोच ये है ना सोच को ना दू। तो ये फेरता आ गई अपनी ड्यूटी पर, देखा मैम मैं क्या भी रहेगी ना क्यों नाटा है, सोच ये है ना आजकल के बालक तो जी बिस्कती बिगड़ करते गड़ लिए, सॉस नहीं दूंगी या चार ले ले और लस्सी खा ले कह की तो घी धर दूंगी, रहने देता है खा ले अपना नूए। देखो सिकड़ लग रहा है मेरा चिल्ला, एकदम बढ़िया चक्कर लाल लाल हो जाएगा कति, दो बच्चा तो ही खिला दिए जो दो रह रहे हैं, फिर देखा है एक एक बाटा होगा शायद भारत है बढ़िया कर दे, एक आधी बच्चा तो अलग चीज हो जानी चाहिए। लास्ट है भाई यो तवे पे है जो सारा ती खवा दी, ये भी स्टेम पर सब नछक छक तो खाई को नहीं, बच्चा ना दो दो बड्डा ने केक ने ऊपर का खा खू लिया, ये मैं भी ले ली हूँ ठीक है। ये चाय थी, चाय तो मेरी बेचारी आधा कपली थी कुछ पी गई कुछ ठंडी होगी, अरे भी यो तो अपना खा ली हूँ, और बच्चा ने सोस ली है मान्य को ना तो मैं भी थोड़े सोस के साथ है खा लूंगी, क्योंकि लस्सी तो मैं वैसे भी ना लू रही इस टाइम तय बीमार हूँ मतलब है कोने ठीक है। तो ठीक है जी मिलू हूँ आप सब तय खाते हुए, आप भी खा लो आ जाओ जी, वेलकम है आप सबका
आप भी खा लो। ए ये लास्ट वाला मैंने साथ ढंग लग गए हैं। हाँ सूखा सूखा बन गया जमा, इसका कुछ लग ना पाया बेचारे का। अभी लगा लेती हूँ इसको, कर देती हूँ फिनिश। तो ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद आप लोगों से। बाय बाय। हूँ जी फ्री होके, और ये देखो सॉस के साथ में आ जाओ, आप सब भी खा लो। ईब थोड़ा सा कुछ खा लूंगी, ईब खा लूंगी तो फिर मैंने रात में कुछ खाने की जरूरत ना पड़ा, थोड़ा दूध दूध लेके और फिर गोली दवाई ले लूंगी अपनी। ठीक है तो जी, जय किसा का देख का जी कर गया हो तब ने बना कर खा लियो, इतनी दूर तो भेजे नहीं जा सकते हैं, तो इब मैं खा लू गर्मा गर्म। ठीक है बताइयो किसे बने मेरे चिल्ले, मैं भी बताऊंगी खाकर किसे बने। ठीक है ओके, फिर बाद में मिलते हैं। अच्छा देखो जी, आज है ना मेरी सासू ने बद्दी ओड़ी पेंशन मिली है, 3,000 रुपये मिले हैं। अतः देख लो भी किसी की सासू इसी से जो बद्दी ओड़ी बहु आना दे है। देखो दे दा बेचारी पहली बार आज पछे का सारा कोटा एक कप पूरा कर दिया। ये देखो 1,000 रुपये दे है हमने मेरी सासू है। बड़ी बात हो जाए बेबे, खर्च देवे घर के काम में चाहे चीजा में तो बात कोई बहुत बड़ी बात ना होती, लेकिन स्पेशल बुआ तो देना अगले बेबे मैं अपनी और 1,000 रुपये दी हूँ, बड़ी बात से है ना। ले तुम्हें इस बात को पास छूटा था ना, हूं भी छूटा पर भाई रुपये मिले हाथ तो स्पेशल है तार से करना है चाहिए लगा दर फिर तो नहीं है। अच्छा एक बोकर ने पा दबूंगी तो के मेरा 2-4 महीने हम फिर सोच ले नहीं थोड़ी बनाई रख तो भगवान उम्र लावा मेरे बेटे को तो या की ताली कर दी है पाचे। अच्छा ये पानी आ रहा था उसमें कर लिए जी। तो और भी बता दियो बद्दी तो सारी बुढ़िया की है पर मिलने किस किस ने है नहीं जरूर कमेंट करके बताई दियो। देख लो हमने तो गए हम मिले और खुशी ने आ रही हो है मिलते मन धरती दिखाए है। एक तो मैं नुक्के न्यू लेकर धर लू है ना भाई, जो करे जो मैं देवे तो अब बतानी चाहिए सब तई दिखानी चाहिए, और हम तनु को वहां तावड़े 5-5, 10-10 हजार हो जा जो कर 1,000 का हर महीने साझा हो जा नी इतने पास तो दे देगी खा पी लेंगे सारे नहीं अकिन भी देगी 1,000 ये ले ली देख लो जी मिल गए हमने तो पोता पोतिया तो ताई बार चीज ले आ करे और इब का बहु आती दे दिया जी जी बहु करी है इनका राजी देखा मोरे हाँ खूब राजी कती एक नंबर की। ठीक से तुम्हारी बात है जी, ऊ भी बड़का है का और बड़का ना हाथ में दे दे तो बड़क राजी हो जाए नहीं तो इब की बार मारी सासू नाम कर दिए राजी है नी थोड़ी सी लेट हो जाएगी तो ये दोनों माँ के होगी ना हमारे दे दिए थे मम्मी ने ये पहला बड़का तीन ले फिर नूलिए लिया दोनों आके देख कर दिखाऊंगी असली एक बार भरोसा तक करवा ले अपने जेठ जी सा करवा ले तो जेठ दो रहे मन्ने एक बार मैं भरोसा कर लिया अगली बार तेरे का असली है ठीक ठाक तो है नी
ਕਦੇ ਮੋੜ ਕਮੋੜ ਪਚਣ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਨਾ ਕਿਆ ਮਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਮਨ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਹੂੰ ਔਰ ਵੀ ਸੱਸਰੀ ਸੀ ਹੈ ਜੋ ਬਟੋਤਰੀ ਬੱਬੂ ਆਨ ਰਾਜੀ ਕਰ ਅੱਛਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਹੈ 3000 ਬਤਾਓ 2733 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਾ ਤਾਂ ਜੀ ਜੀ ਖੋਲ ਰਾਜੀ ਨੇ जरूरी जो पढ़े हैं अपने पास उनके भाई रिपोर्ट वगैरह लेनी पड़ जाए या साइड में थे एक दो बच्चे मैं कहा चलो भाई पूछ लिया ये थोड़ा व्हाइट व्हाइट सा ज्यादा हो रहा है ना फोकस ज्यादा हो रहा है चलो भाई ये बहुत अच्छी बात अब तक खुशखबरी मैं मका के रोड़ा सा हो रहा है मैं तेरी तू रोड़ा का न्यू तू ना कर दिया गए मगर बहुत अरे वो गए मैं गए मैं पता है जी के बात है जब जिस गैल एक हो जाना तो फिर माइंड में वह बात आया फिर एक दिन मैं न्यू आई थी मेरे बेटे के पैर का चोट लग रही थी न्यू मतलब इकट्ठे से हो रहे थे मैं स्कूल तक आई थी तो मेरा तो एकदम न्यू धकदे सी ना होगी दूर सी मना बात सुनी मका के दिक्कत हो रही है घर में मका फिर जब हाथ में पीछे से बटते दिखे ना जब तो एकदम न्यू होगी शांति से मामला कुछ हो रहा है फिर मैं कले कोई आया होगा वो कुछ देखा कि मेरे 500 कोई देखा कि ना जब बरात ना आए थे मम्मी अब तो सोस आ गए थे रात ना आए वे और बढ़िया मान करके गए थे दोनों बाणा के बन गए थे हमारे कई कई समय मारी मम्मी तो देख लो इमोशनल भी होगी रखिए देखे अपनी आंख साफ करा से इमोशनल होगी क्या तुम थी हूं है तो फिर दूर है तू ना यार जो है तो जाए कर सा है क्या मन की इस तरह भी ना रहे खाज मत चखी तो जिसे आओ रे ना खूब राची क्या के हूं तो कुर्ता ला के आज तो मने ना एक लेडी मिली अपने गांव में मैं ना जानती लेकिन वहां जाना है अरे हां अस्थल वाली गली में और वहां यूं बोली कि हम थारे परिवार पे हैं बोला जिस तरह शादी शुद्धि में वो उसने मैं देखते ही पहचान ली एक तुम तो जीजी करदार का छोटी बहू है फिर पहचान पता थोड़ी सी कमाई की है फिर वो आऊं मित्र से उसके छोरे की भी शादी हो रही है एक कचोरा है अपने घर भी जाओगे ना अम्बेरी जब भी हम नु कहे हम तो ना जानते हम कहे तब ना जानती पर तुम ने सब जाने है तुम ने जाने तो वही बात है जी जी वही नहीं और एक दिन जी आज तो शायद टाइम ना होया है और एक दिन मारी मम्मी लाइव भी करेगी आपके साथ ठीक लाइव में सो जाए जल्दी ते ये मम्मी ने देखा वो लाइव क्यों हाँ और एक घंटा ना तो 10-15 मिनट बैठ जाए अनपढ़ आदमी लाइक पाइक ना करें लाइक नहीं पढ़ना कौन पढ़ता था हम के उनके आंसर दे रहे हैं फोन का पता चल लग रहा है और फिर तेरा के कहेंगे बड़े आदमी ने नींद ना आया करे तो फिर न्यू भी कहेंगे मम्मी जी थैंक यू ठीक है गुड नाइट नु कह अगर वेलकम क्यों ठीक है वेलकम गुरु कर्म हां बेटा केक रे गेड़ा वेलकम का अभी फल देता दारू में दे वेलकम का केक रे की दुकान चलो जी ठीक है इवा अपने पटवे अंदर ले हन वाह ये बात है जी बालक राजी करता है त चे 500 पर उनकी वैल्यू ना रहनी थोड़ी सी ज्यादा बड़े चाहिए वो है ना ना सही बात है जी खर्चे न मारे पकड़ने हैं
तो भाई बात है देख हम नहीं ना पकड़ने हैं ना के कर्म करने हैं न्यू है बस इससे थोड़ा हाँ मन मनी हो जा हाँ भाई मानने हैं बड़का ने बल्कि यार पी अगर हमारे बच्चा ने देवे ना जब हमने इतनी खुशी ना हो जितनी मरते ही दिए न्यू हमारे आंख में न्यू देख पहली बार वो है ना तो हमारी खुशी का लेवल कुछ अलग है सही बात है ठीक है ठीक है तो जी चलो जी मिला हाँ फिर एक पैर कुछ खाती ला भूख सी लग रही है।